Hello friends, welcome to National and International Affairs. So in this video, we are going to discuss the today's Hindu editorial. As you can see, the heading is Stock Taking Calamities. So calamity का मतलब क्या होता है? Calamity का मतलब होता है आपदाएं, ठीक है? Disaster बोल सकते हैं, disaster, catastrophe बोल सकते हैं, catastrophe. देन हम ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं, ये शब्द इसका सिनोनिम हो जाएगा, ट्रेजेडी हो सकता है, काला काटाइजम भी हो सकता है, मिसफॉर्च्यून, देन मिसहैप, मिसहैप, डिस्ट्रेस, ठीक है. तो स्टॉक टेकिंग कालामिटी मतलब हम आपदाओं को ले आ रहे हैं, मतलब आपदाओं को हम घर बुला रहे हैं. देखते हैं ये क्या इसका टॉपिक है. द वर्ल्ड नीड जेन्युइन ब्रेक थ्रू इन क्लाइमेट टॉक्स, यानी कि वर्ल्ड को अब जरूरत है, नीड का मतलब जरूरत है, क्या जरूरत है? एक जेन्युइन ब्रेक थ्रू की, एक मतलब अच्छा सा, जेन्युइन का मतलब रियल, एक रियल अचीवमेंट चाहिए वर्ल्ड को. किस चीज में? क्लाइमेट टॉक्स में. क्लाइमेट टॉक्स का मतलब जो हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहे हैं वो कैसे कम होगा, इसी बात को क्लाइमेट टॉक बोला जाता है. सो अभी इस क्लाइमेट टॉक में अभी वर्ल्ड को क्या जरूरत है? एक रियल अचीवमेंट, एक रियल सक्सेस की जरूरत है. जेन्युइन का मतलब हुआ रियल, ब्रेक थ्रू का मतलब हुआ सक्सेस, ठीक है. ब्रेक थ्रू का मतलब सक्सेस हुआ, अचीवमेंट, अचीवमेंट हम बोल सकते हैं, अटेनमेंट भी बोल सकते हैं, अटेनमेंट बोला जा सकता है, अकम्प्लिशमेंट भी बोला जा सकता है, अकम्प्लिशमेंट, ठीक है. इतना रहा इसका सिनोनिम. आते हैं अब टेक्स्ट सेक्शन पे. देखो, द क्लाइमेट क्राइसिस इंट्रिकेटली वर्ब इटसेल्फ into the G20 summit in Delhi. यानी कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब आपदाएं, कालामिटी वही बोल सकते हैं, डिजास्टर. ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, ये क्लाइमेट चेंज, ये जो टॉपिक है, ये क्लाइमेट कालामिटी, अभी चेंज ना हो कि ये कालामिटी हो बनने वाला है. इंट्रिकेटली वर्ब इटसेल्फ, इंट्रिकेटली का मतलब अपने आप, कंटिन्यूअसली अपने आप, ये इसको ले आया, अपने आप को ले आया कहाँ पर? G20 समिट के मीटिंग पे. अभी हमको पता है G20 समिट का मीटिंग हो रहा है, तो समिट का मतलब मीटिंग. G20 समिट में क्या हो रहा है? टॉक हो रहे, बहुत सारे देश के लीडर आए हैं और सब बातचीत कर रहे हैं. तो इसी बातचीत में जो क्लाइमेट क्राइसिस, ये अपने आप चला आया डिस्कशन में, पॉइंट ऑफ डिस्कशन में क्लाइमेट क्राइसिस अपने आप चला आया. इंट्रिकेटली वो, इंट्रिकेटली का मतलब हम बोल सकते हैं इलाबोरेटली, इलाबोरेटली, कनिंगली, कनिंगली, आर्टफुली, आर्टफुली. वो का मतलब क्रिएट हो गया, ये अपने आप ही क्रिएट हो गया, क्रिएट हो जाना या फिर इन्वेंट हो जाना. सो ये अपने आप ही इन्वेंट हो गया इटसेल्फ कहां पर? इनटू द G20 समिट. समिट का मतलब होता है मीटिंग, G20 मीटिंग जो कि दिल्ली में अभी हो रहा है. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ क्लीन एनर्जी, कब ये हुआ? जब हम एकदम पर्टिकुलरली किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? क्लीन एनर्जी के बारे में. क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्लीन एनर्जी का होता है ग्रीन हाइड्रोजन, ये क्लीन एनर्जी का मतलब होता है. अभी जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर व्हीकल्स चलाते हैं, वहां पर हम पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, उससे क्या होता है? उससे एटमॉस्फेयर गंदा होता है. तो ये क्लीन एनर्जी नहीं है, ये जो पेट्रोल डीजल, इसको क्लीन एनर्जी बोला नहीं जाएगा. क्लीन एनर्जी किसे बोला जाएगा? जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, इसको हम अपने व्हीकल्स में यूटिलाइज करेंगे तो व्हीकल अच्छे से चलेगा, उसके साथ CO2 का एमिशन मतलब ना के बराबर होगा. तो जिस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम व्हीकल भी चला लेते हैं और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा एमिट नहीं होता एटमॉस्फेयर में, उसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है. सो क्लीन एनर्जी के डिस्कशन में पर्टिकुलरली ये क्लाइमेट क्राइसिस और
चेंज, इस टॉपिक अपने आप ही आ गया। देखते हैं फिर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू एवर्ट इट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कॉलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू एवर्ट इट। सो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब रेशनल, जस्टिफिएबल, जिससे कि हम कुछ डेवलप किए और उस डेवलपमेंट हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूटिलाइज कर सके, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाएगा। एंड द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी क्या चाहिए? अभी सब देश मिलके एकदम कलेक्टिवली सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए, क्या करने में? टू एवर्ट इट, टू प्रिवेंट इट। क्या प्रिवेंट करने में? क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने में। सो एवर्ट का मीनिंग ये हो जाएगा प्रिवेंट, प्रिवेंट उसको अवॉइड करने में, उसको स्टॉप करने में, उसको हेड ऑफ करने में, हेड ऑफ भी बोल सकते हैं, उसको स्टैब ऑफ करने में, स्टैब ऑफ। द यूनाइटेड नेशंस जनरल स्टॉक टेक, ये यूनाइटेड नेशन जनरल स्टॉक टेक का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिस रिपोर्ट को बोला गया है ग्लोबल स्टॉक टेक। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, ए रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड जस्ट अहेड ऑफ G20 मीट। ये कब रिलीज हुआ? अहेड ऑफ का मतलब बिफोर, अहेड ऑफ का मतलब हुआ बिफोर। ये जो रिपोर्ट कब जारी किया गया? जस्ट G20 मीटिंग होने से पहले ये रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सेट आउट, और इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया? सेट आउट का मतलब क्या होता है? सेट आउट का मतलब टू पब्लिश, टू पब्लिश, प्रेजेंट, टू प्रेजेंट बोल सकते हैं, किसी चीज को प्रेजेंट करना। सेट आउट, टू मार्क आउट, टू मार्क आउट। सो इस रिपोर्ट ने क्या हमको प्रेजेंट किया, क्या बताया? द स्कोप ऑफ चैलेंजेस दैट अवेटेड द मेजर इकोनॉमीज, जो चैलेंजेस है, जितने भी हमारा चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज को रिलेट लेके, वो सब ये रिपोर्ट ने बताया। और जिसको कि ये सब चैलेंजेस जो कि रिपोर्ट में आने वाला था, इसको कौन सब वेट किए थे? एवेटेड का मतलब क्या होता है? एवेटेड का मतलब हो जाएगा वेट फॉर, जिसको कि बहुत सारे मेजर इकोनॉमीज, इकोनॉमीज का मतलब कंट्रीज, बहुत सारे मेजर कंट्रीज वेट किए थे कि ये कब निकलेगा वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में बहुत सारा चैलेंजेस लिखा गया होगा ऑफ द वर्ल्ड। किसका? वर्ल्ड का चैलेंजेस। इवन एज इट प्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी नोन, लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसने कुछ नया नहीं कहा। मतलब हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, तो ये रिपोर्ट भी वही बताया। जो जो चैलेंजेस हमारे लिए, वो जो हम जानते हैं वही बताया, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। सो एज इट प्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो भी पता था उसके अलावा इसने बहुत मतलब कुछ भी नहीं कहा। लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, एक होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, ए लिटिल का मतलब थोड़ा। सो इसने कुछ भी नहीं बताया, जो सब हम जानते थे वही ये इस रिपोर्ट ने बताया। जाते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में, द स्टॉक टेक। स्टॉक टेक का मतलब क्या है? स्टॉक टेक का मतलब होता है वो जो रिपोर्ट जो कि यूएन ने पब्लिश किया। द स्टॉक टेक इज टू सर्व एज ए टेम्पलेट, ये कैसे काम करने वाला है? सर्व का मतलब वर्क, ये कैसे काम करने वाला है? एक एग्जाम्पल के तरह। टेम्पलेट का मतलब एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? टू गाइड डिस्कशन अहेड ऑफ 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्केड्यूल इन दुबई दिस नवंबर। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब क्या है? ये एक मीटिंग की तरह होता है जहां पर वर्ल्ड की लीडर सब आएंगे और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और जो कि इस साल नवंबर में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? दुबई में होने वाला है। ये कितना नंबर कॉफ है? 28 कॉफ, मतलब इससे पहले 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि मीटिंग हो चुके हैं। ये कैसा काम करेगा ये जो रिपोर्ट, ये कैसा काम करेगा? एक एग्जाम्पल के तरह काम करेगा, जिसको लेके हम जो डिस्कशन को गाइड करेंगे, गाइड डिस्कशन, जिससे कि जो भी इस कोप में डिस्कशन कर किया जाएगा
वो गाइड किससे होगा? इस रिपोर्ट से, रिपोर्ट की वजह से गाइड होगा। एहेड ऑफ का मतलब बिफोर, बिफोर द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शेड्यूल्ड इन दुबई दिस नवंबर, एंड इज मेंट टू बी एन ऑफिशियल रिकॉग्निंग। ये कौन, इज का मतलब ये जो स्टॉक टेक, ये जो रिपोर्ट है, ये क्या होगा? एक ऑफिशियल रिकॉग्निंग, रिकॉग्निंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन बोला जा सकता है, इवैल्यूएशन, एस्टिमेशन। ये कैसा काम करेगा? ये जो रिपोर्ट, ये एक ऑफिशियल कैलकुलेशन की तरह काम करेगा ऑफ द वर्क एक्चुअली डन बाय कंट्रीज सिंस 2015 की। अभी जो 2015 के बाद जितने भी कंट्री हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया है वो इवोल्यूएट करेगा ये, ठीक है। इन स्टीमिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, स्टीमिंग का मतलब रिमूविंग, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो कि क्लाइमेट चेंज का एक मेजर प्रॉब्लम, मेजर कॉज है। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, उनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस होता है ना, इसको कितना, कौन कौन कंट्री ने कितना कंट्रोल किया, वो सब इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। मतलब इससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कौन कौन कंट्री कितना मतलब इम्प्रूव हुए हैं दैट ईयर। वही इसी इसी ईयर में क्या हुआ था, 2015 में क्या हुआ था? सिग्नेचरीज टू द यूनियन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन। सिग्नेटरीज का मतलब जो साइन किए थे यूएन डॉक्यूमेंट, कि हम मतलब हम सही में चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस गैस को, जो भी साइन किए थे ऑन क्लाइमेट चेंज। किसी टॉपिक, किस टॉपिक में साइन किया था? मतलब हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करेंगे। एग्रीड इन पेरिस, उन्होंने 2015 में ये सब कंट्री ने जो भी यूएन कन्वेंशन को सिग्नेचर किए थे वो क्या एग्री किए थे? पेरिस में, पेरिस की जो कि फ्रांस का कैपिटल है, पेरिस एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। तो पेरिस में वो एग्री हुए थे सब कंट्री मिलके टू कीप ग्लोबल एमिशन, एमिशन का मतलब जो निकलता है धुआं, ग्लोबल एमिशन को, ग्रीन हाउस एमिशन को फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड, टू कीप ग्लोबल एमिशन फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उन्होंने क्या टारगेट लिया था? हम जो ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा राइज होना नहीं चाहिए। हम जितना जितना बिता रहे हैं साल, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग, एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड का राइज हो रहा है। तो ये बढ़ के 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो इससे कम भी हो तो अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। एज फार एज पॉसिबल लिमिट टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे कम भी हो सके, जैसे कि मतलब कितने तक, 2070 तक, 2050 तक, 2050 तक, हम ये कोशिश करेंगे कि अभी से 2015 से 2050 तक जैसे हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए, और ये 2 डिग्री ना हो के 1.5 डिग्री हो तो उससे भी अच्छा। तो ये सब बोला गया था। तो ये रहा हमारा द एडिटोरियल का डिस्कशन। यहाँ पर हम जाने समझे पहचाने, मतलब कौन सा कंप्रिहेंड करना है, पैराग्राफ कैसे समझना है, उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स और उनका वोका सिनोनिम्स भी हमने जाना इधर। सो इतने में हम रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। अगर आप हमारे सेशन में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।